हेलो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड गाइस, आज हम फिर से खेलने वाले माइनक्राफ्ट और ये हमारा फोर्थ एपिसोड है। हाँ भाई, फोर्थ एपिसोड है यार, तो लेट्स स्टार्ट। तो भाई, हम लोग अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में आ चुके हैं और जैसा कि आपको पता है, हम लोग लास्ट एपिसोड में कहीं और थे, और मतलब हिली एरियाज में थे, और वहां से माइग्रेट करके हम इस विलेज के अंदर आए। तो भाई, क्योंकि हमें वहां पे अच्छा नहीं लग रहा था, तो यहां पे हम चले और हमने यहां पे अपना प्यारा सा हाउस बिल्ड कर लिया है, मतलब रहने का ठिकाना हो गया यार अपना ये। तो मैं आप सबसे पहले आपको ये अपना छोटा सा हाउस दिखा देता हूँ, ये कैसा दिख रहा है, ठीक है। सो अंदर से कुछ ऐसा, एक बेड है और एक क्राफ्टिंग टेबल है और एक चेस्ट है, ठीक है। और अपने पास ज़्यादा कुछ सामान वगैरह तो है नहीं भाई, ठीक है। सो भाई, अब अपन विलेज के अंदर है। सो भाई, लूट अभी हमने की नहीं है, लूट तो अभी मचाना है भाई। सो सबसे पहले भाई विलेज के अंदर जाएंगे और बहुत सारी लूट मचाएंगे, ठीक है भाई। फिर उसके बाद हम अपने घर को, मतलब अपने हाउस को प्रोटेक्ट करेंगे। और हमें एक कैट चाहिए यार, पेट कैट चाहिए, क्योंकि भाई क्रीपर वगैरह यार बहुत परेशान करते हैं, वो घर के पास आ गए ना तो फट जाते, फिर घर हमारा ख़राब हो जाता है। सो भाई, कैट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई क्रीपर्स जो होते हैं ना, कैट से बहुत डरते हैं, ठीक है। सो भाई, कैट को टेम करने की क्या चाहिए भाई, फिश नहीं है यार अपने पास, तो ठीक है, उसको हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी लूट मचा लेते हैं यार, ये तो खाली खाली सा है। और चलते यार कोई बढ़िया सा, कोई मतलब अमीर इंसान के घर पर जाएंगे, ठीक है भाई। सो मेरे को तो वही अच्छा सा हाउस मिल जाए, बस मैं वहाँ लूट मचा दूंगा। शायद इसके घर में है चेस्ट भाई, यस। क्या है भाई, सैडल भाई, घोड़े के काम आएगा, ठीक है भाई। एक बूट है, लेदर बूट, गुड। और क्या है भाई तेरे पास, ठीक है, चल इतना कुछ नहीं है, चलो यहाँ से निकलते भाई। और भाई दूसरे घर के अंदर देखते, इसके अंदर तलाशते भाई क्या मिलेगा, ये तो खाली खाली सा है यार भाई। कोई अमीर इंसान नहीं रहता क्या इस घर के अंदर, इसका भाई डबल फ्लोर का घर है, शायद इसके अंदर हमें कुछ मिल जाए, मे बी, शायद से भाई। पर ये घर भी ओ भाई, इतने सारे एप्पल यार, मज़ा आ गया भाई, एमराल्ड्स एप्पल, ये तो खजाना मिला है भाई, ये काफ़ी रिच इंसान था, ठीक है भाई। ये विलेजर बहुत रिच है भाई, एमराल्ड चार कितने भाई, चार एमराल्ड्स मिल गए, 10 एप्पल, पोटैटो, बहुत अच्छी लूट मिली है भाई, मज़ा आ गया भाई। सो यहाँ से चलते और देखते भाई और हमें क्या क्या लूट मिल सकती है इस विलेज के अंदर। सो यहाँ से हम होके आ चुके हैं। सो ये वाला हाउस बाकी है, ठीक है। सो इसके अंदर चेक करते भाई क्या है, ये तो इसके अंदर चेस्ट ही नहीं है भाई। सो इसमें चेक करेगा, और नहीं इसमें नहीं है भाई। सो भाई, हमारी एनर्जी काफ़ी लो लग रही है, सो हमें एक एप्पल खा लेना चाहिए भाई, ताकि एनर्जी थोड़ी आ जाए, तो हम फास्ट वॉक करेंगे, ठीक है भाई। तो भाई फाइनली सुबह हो चुकी है और हम अपने क्राफ्टिंग टेबल के पास चलते, बाहर हमें बोन मिल वगैरह भी इकट्ठा करनी है भाई, क्योंकि भाई वुल्फ को भी तो टेम करना है ना। स्केलेटन शायद से यहाँ पे मिल जाए यार, बोन मिल वगैरह, पर दिख नहीं रही है यार, फील्ड में अक्सर वो सारे रहते, जल बल के पड़े रहते साले। आपको कहीं दिख रहा है क्या, मुझे तो नहीं दिख रहा है भाई। वो रहा भाई, पेड़ के नीचे खड़ा है भाई, वो बच रहा है, इसको तो मैं मारूंगा, इसको तो मैं पर्सनली मारूंगा भाई। ओ भाई, ऐड तेरी तो भाई, बोन मिल मिल गया, ये कितना चालाक था भाई, पेड़ के नीचे में तो छांव में बच रहा था, ताकि बता इसको धूप मिल ना लगे भाई, सही है यार, गजब की ट्रिक है ये। यस गाइस, नाउ वी हैव अ फिशिंग रॉड भाई, हमको फिशिंग रॉड मिल चुका है, नहीं फिशिंग रॉड नहीं मिला है भाई, मतलब हमें स्ट्रिंग मिल चुकी है, सो हम फिशिंग रॉड क्राफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो भाई जल्दी से अपने घर के अंदर चलते हैं और क्राफ्टिंग टेबल पे भाई फिशिंग रॉड क्राफ्ट करते हैं, ठीक है भाई। सो भाई कितने चाहिए हमको, 3 स्टिक चाहिए, ठीक है, इसको इस तरह प्लेस करना है, और फिर इसके बाद स्ट्रिंग, 2 ही स्ट्रिंग की ज़रूरत है, ठीक है। सो भाई फाइनली अपना फिशिंग रॉड हो चुका है रेडी, और इसके अंदर कुछ तो भाई पोटैटो लगाया क्या भाई, नहीं ना भाई ऐसे नहीं होता, ठीक है। सो भाई फिशिंग रॉड में भाई कुछ तो चाहिए ना यार, ऐसे तो ना फिश अटकती है, ठीक है। सो एक बार ट्राई करते हैं ऐसे विदाउट कुछ लगाए, ठीक है। सो भाई चलते हैं अपने इसके अंदर, क्या बोलते हैं, लेक है, ओशियन है, पता नहीं क्या है भाई, ठीक है। सो इधर ट्राई करते इसको, एक भी फिश नहीं फंस रही यार हमारे फिशिंग रॉड में। वाह, ऐसे नहीं तो ऐसे भाई, क्या कर सकता था भाई। सो फाइनली भाई हमने भाई क्या 21 सैल्मन पकड़ लिए यार, और अब चलते भाई कैट को टेम करने, देखते भाई अपनी कैट टेम हो जाती है कि नहीं यार, भाई कैट की सख्त ज़रूरत है हमें। सो विलेज के अंदर देखते भाई, एक आधा कैट अपने को मिल जाए तो भाई बहुत
बहुत अच्छी वाली बात हो जाएगी, बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है भाई। देखते हैं भाई को एक आधा कैट मिल जाए यार हमें। सो फाइनली भाई हमने एक कैट को पकड़ लिया और बहुत मुश्किल से कंट्रोल में आए भाई। अब इसको टेम करना है भाई। ओ भाई ये फिर से भाग गई। ओ भाई कैट भाई ये तो फिर से भाग गई यार। इसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल से पकड़ा था भाई। वाह अब इसको मैं घर के अंदर लेके जाऊंगा, तभी इसको टेम कर सकते हैं भाई पैक रूम में। ऐसे तो ये भागती रहेगी और मुझे भी भगाती रहेगी, बहुत टेंशन वाला काम है ये। कम बेबी इस बार नहीं भागने दूंगा, पहले मैं घर बंद करूंगा। तो फाइनली भाई हमने दरवाजे को लॉक कर दिया और इस कैट को भागने नहीं देंगे हम। अब इसको टेम करने में आसानी होगी और इसको हम फिश खिलाते हैं फटाफट से। ओ भाई फाइनली ये टेम हो गई, अब ये नहीं भागेगी, ठीक है। सो भाई कैट भाई टेम हो चुकी है और इसको हमने घर का प्रोटेक्टर बना दिया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।